तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि इसमें हमने सीखा था कि कलर थ्योरी प्रिंसिपल, कलर थ्योरी प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। इनके हमने पीटीक्यू सीखे थे, कैसे सॉल्व करते हैं। इनके हमने पीटीक्यू सीखे थे, तो इनमें हमने सीखा क्या क्या था, एक बार वो रिपीट कर लेते हैं, एक बार वो मैं फिर से दोहरा दूं। तो कलर थ्योरी प्रिंसिपल में कॉन्ट्रास्ट, पैटर्न, मोनोक्रोमैटिक, एनालॉगस, शेड्स एंड टिंट्स, ये था हमारा कलर थ्योरी प्रिंसिपल में जो टॉपिक आ रहे थे, कवर हो रहे थे। ये कलर थ्योरी प्रिंसिपल में कवर होते हैं। तो प्रिंसिपल डिजाइन में हमने क्या क्या कवर किया था, तो पैटर्न, दो एक्सिस सिमेट्री, डोमिनेंस, हायरार्की, मूवमेंट, रिदम, हार्मोनी, यूनिटी, वैरायटी और लास्ट वाला था एम्फसाइज। और एक स्केल, ये सब हमने पिछले हुए पीटीक्यू में कवर किए थे। इनमें से अगर कोई भी पीटीक्यू में आता है तो आपको इसको आप सॉल्व करते आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने सीखना क्या है। तो हमें अब सीखना है कि पीटीक्यू टर्म्स क्या होती है। तो हमने सीखना है पीटीक्यू टर्म्स क्या होती है, पीटीक्यू टर्म्स। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 17 टर्म्स हैं, टोटल 17 टर्म्स हैं। इसमें से बहुत सारी कलर थ्योरी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस में कवर हो चुकी है। तो जो कवर नहीं हुई है वो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। ये मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इससे आपको जो नेक्स्ट पीटीक्यू में लूँगा, नेक्स्ट पीटीक्यू के सेशंस लूँगा, उसमें आपको बहुत सारा इसका फ़ायदा मिले। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट टर्म से, जो कि है रेडिएशन। तो मेरी फर्स्ट है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन का मतलब है एमिशन ऑफ रे इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहां पे मैं क्या बोलूंगा, एमिशन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैंने एक फिगर ली जो इस तरीके से, इस तरीके से मूव कर रही है, इसकी मूवमेंट हमें इस तरीके से दिख रही है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि इस फिगर की मूवमेंट इस तरीके से मूव होती हुई दिखती है। तो ये अंदर से बाहर आती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो इसको हम एक और पॉइंट बोल सकते हैं, क्या आएगा,
तो इसमें ग्रो आउट ऑफ द सेंटर पॉइंट, यहाँ से सेंटर पॉइंट से ये बाहर जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रो आउट ऑफ सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से जो बाहर की तरफ जाए उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। अब पीटी को में अगर दिया गया कि उस जगह पे मूवमेंट ना होकर रेडिएशन है ऑप्शन, तो हमें वो समझ में आना चाहिए। इसके लिए ये जो टिपिकल टर्म्स है ये हम आज सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं साइज एंड अरेंजमेंट। तो यहाँ पे साइज स्लैश अरेंजमेंट, तो इसका क्या मतलब है साइज और अरेंजमेंट, इसका क्या मतलब है, अगर एक साइज की पहले बात कर ले तो मैं एक अभी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से चालू है, उसी का एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया ये नाटा, NATA नाटा, या फिर इस तरीके से अगर मैंने इसको लिख लिया, तो इन दोनों में मुझे क्या दिखाई देगा ये मुझे देखना है। तो अगर मैं इसको लुक इसको लिखूं, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट फॉन्ट्स में मैंने इसको लिखा है, तीन डिफरेंट साइजेस में मैंने इसको लिखा है, तो इसी को हम साइज बोलते हैं। अब इसको अगर अरेंजमेंट के तौर पे देखना है, तो ये जो वर्ड है इसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इसको अगर अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट होता है। अब इसको ज़रा बड़ा करते हैं, यहाँ पे अगर लिख दिया कि नाटा 2020 इस तरीके से, तो यहाँ पे भी मैं अगर लिख पाऊँ, तो ये साइज़ और अरेंजमेंट का अच्छा सा एग्जांपल है। तो साइज़ का मतलब क्या है, जो हम पार्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी साइज़ धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर धीरे धीरे कम हो रही है, इसको हम स्केल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो ये इसका एनालॉगस टर्म है। जनरली आप अगर कोई हेडलाइन देखोगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी हेडलाइन होती है और उसके बाद में नीचे छोटे फॉन्ट्स में लिखा जाता है, उसी को हम साइज अरेंजमेंट का एग्जांपल बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये नाटा बहुत बड़े इसमें था फॉन्ट्स में, और ये 2020 उससे छोटे फॉन्ट में था, तो यही था ये साइज और अरेंजमेंट का कंसेप्ट। मेरा थर्ड टॉप आता है, मेरा थर्ड टर्म्स इंक्लूड होती है, वो है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन ये सिमिलर है पैटर्न को, आप इसको बोल सकते हो, आपको अगर पैटर्न आइडेंटिफाई करने आते हैं तो आपको रिपीटेशन आइडेंटिफाई करते आएगी। देखो आप इसको कैसे होता है, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लूँ, तो इसमें अगर मैं कुछ पैटर्न बनाता हूँ, पैटर्न और रिपीटेशन बहुत आपस में मिलते जुलते हैं, दोनों सेम ही आप बोल सकते हो रिपीटेशन और पैटर्न को, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत बार एक्सप्लेन हुआ है, पर ये टर्म्स में गिना जाता है, पीटीक्यू टर्म्स में गिना जाता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल हो गया मेरा रिपीटेशन का, वही मेरा पैटर्न है। अब देखते हैं नेक्स्ट डेप्थ। एक नई टर्म है जिसका बहुत बार इस्तेमाल होता है, जिसका बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है आपको इनलाइट करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, इन सब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ओवरलैपिंग हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, साइज स्केल टेक्सचर हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, पर्सपेक्टिव तो बेस्ट एग्जांपल है डेप्थ दिखाने के लिए, कास्ट शेडो, ये सब जो चीज़ें हैं उससे आप डेप्थ दिखा सकते हो। तो हमारी टर्म थी डेप्थ। तो डेप्थ में हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है ये पहले हम देख लेते हैं। तो डेप्थ कैसे ऑब्जर्व हो सकती है, तो ओवरलैपिंग, ट्रांसपेरेंसी,
उसके बाद हमें मिलता है टेक्सचर, उसके बाद साइज स्केल, पर्सपेक्टिव, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद लाइटिंग, जिसे हम शेड शैडो बोलते हैं, जिसको हम शेड शैडो बोलते हैं। तो मैं इसके एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने इससे पहले भी एग्जांपल देके ही सॉल्व समझाना ठीक समझा था। तो देखते हैं, फर्स्ट मेरा था ओवरलैपिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो हम अब देख रहे हैं ओवरलैपिंग और ट्रांसपेरेंसी। तो मेरे पास ये दो एग्जांपल है इसको हाईलाइट करने के लिए। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये सर्कल, स्क्वायर एक दूसरे से अच्छे से ओवरलैप हो रहे हैं। तो हम मैं इस फिगर में बोलूँगा कि मुझे डेप्थ कैसे शो हो रही, तो मुझे डेप्थ ओवरलैपिंग से शो होगी। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, एक ऑर्गेनिक फिगर है तो ये ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, एक कलर कॉम्बिनेशन भी दिखाता है, ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। ट्रांसपेरेंसी कैसे कि मुझे ये पिछला वाला पत्ता, पिछला वाला जो लिप है, ये बड़े वाले लिप के नीचे दिखता है, तो यही मुझे डेप्थ शो होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेक्सचर। तो मेरे पास टेक्सचर के लिए भी एक अच्छा सा एग्जांपल है। तो यह है मेरा टेक्सचर का एग्जांपल। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर यूज़ किए हैं। ये प्लेन लाइन वाला, ये ग्रिगेटिंग था, ये क्रॉस लाइन थे, ये स्ट्रेट सिंपल लाइन थे, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर आप कह सकते हो कि पैरेलल लाइन, इसके बार को पैरेलल थे, ये इसके बार को पैरेलल थे, और ये इसके बार को पैरेलल थे। सिमिलरली ये क्रॉस लाइन थे और ये सिंपल शेडिंग थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेक्सचर था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव का हमारा बेसिक एग्जांपल है, मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स डिस्टेंस पे दिखते हैं, टीचर दूरी पे दिखते हैं और स्टूडेंट आपको क्लोज दिखते हैं। तो यही था डेप्थ शो करने के लिए पर्सपेक्टिव का सहारा लेना, यही था मेरा डेप्थ का एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं हम लाइटनिंग और शेड शैडो में क्या होता है। तो लाइटनिंग अगर देखें, लाइटनिंग और शेडिंग हो, तो इसके भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते। देखो इस यहाँ पे अगर लाइट है तो मुझे कहाँ पे दिखेगा लाइट, तो ये टॉप पे मेरा शेडिंग लाइट है, उसके बाद ये मेरी कम्प्लीटली शेडो है। तो इसी तरीके से मैं लाइटनिंग से भी डिस्टेंस देख सकता हूँ। सिमिलरली आप शेड शैडो का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है इस तरीके से, इस साइड से मैंने लाइट ऑब्जर्व की है तो मुझे शैडो इस यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से मैं डेप्थ शो करने के लिए इन सब का इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें एक दो आते हैं, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे साइज और लोकेशन नहीं दिया है डेप्थ शो करने के लिए, उसका मैं एग्जांपल अभी आपको बना के दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से होता है। अगर मैं साइज पे फर्स्ट हम साइज लेते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से डेप्थ शो होगा, तो एक छोटा और एक बहुत बड़ा। इस तरीके से आप अगर देखोगे तो ये जो छोटा वाला रहता है ये दूर दिखाई देता है, और जो बड़ा वाला रहता है वो पास दिखाई देता है। ये सिमिलरली पर्सपेक्टिव का ही एग्जांपल होता है, उसी से आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन, क्या डिफरेंस होता है लोकेशन का, इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करें। तो लोकेशन अगर ऑब्जर्व करना है कि कोई चीज़ पास है या दूर है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर और एक सर्कल बनाऊं, और सिमिलरली एक यहाँ पे बनाऊं, एक सर्कल स्क्वायर सर्कल बनाऊं, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये मेरा दूर वाला है, एट फार डिस्टेंस, और इसको आप बोल सकते हो नियर है, ये नियर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये करीब है, दूर है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। यही होती है डेप्थ का अंदाज़।
इसी तरीके से आप डेप्थ ऑब्जर्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो वो है कंटिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का एग्जांपल तो बहुत इजी है। कंटिन्यूटी मतलब कंप्लीट एक दिखना चाहिए, कहां पर भी ब्रेक नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं इसको किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाए। तो यही इसका बेसिक एग्जांपल है कंटिन्यूटी समझने का। अब आप देख सकते हो कि मैंने ब्लू जो डॉट यूज़ किया है वो भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, और जो रेड यूज़ किया है ये भी कंटिन्यूस है। तो इसको ही हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। कोई भी पैटर्न बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसी को कंटिन्यूटी बोलते हैं। आइदर वो लीनियर हो सकता है और नॉन लीनियर हो सकता है, कर्व लाइन से भी बन सकता है। इसके बाद देखते हैं टिल्ट। टिल्ट का मतलब है जब फिगर थोड़ी सी एक्सिस पे इनसाइड मूव हो, जिसको हम 30 डिग्री 40 डिग्री जो तीन एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जब हम तीन एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वो जब अंदर की साइड इस डायरेक्शन में मूव हो तो हम इसको टिल्ट बोलते हैं। एक्स वाई और जेड, इसे को हम टिल्ट बोलते हैं। उसका मेरे पास एक एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने एक बनाया था 2020 का, तो यही इसका टिल्ट का एग्जांपल है। ये इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव हो रहा है, उसको मैंने पर्टिकुलर एंगल पे बनाया था, तो ये एग्जांपल टिल्ट का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ड्रॉन एट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्डर क्या रहती है। नेक्स्ट है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या रहती है, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में सीखा है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में हमने जो चीजें सीखी वही मेरी ऑर्डर रहती है, जैसे कि एक्सिस, सिमेट्री, उसके बाद हायरार्की, रिदम, पैटर्न और रिपीटेशन। यही मेरी ऑर्डर रहती है, इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी प्रॉक्सिमिटी। ये इम्पॉर्टेंट है प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि बहुत सारी फिगर प्रॉक्सिमिटी में दी जाती है, तो ये समझना थोड़ा सा इजी कैसे हो, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी और पैटर्न और रिपीटेशन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। वही समझने के लिए अब हम सीखेंगे प्रॉक्सिमिटी। तो अब देखते हैं प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी क्या रहती है, अब पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है और प्रॉक्सिमिटी क्या होती है। तो अब मैं यहां पे पैटर्न ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर पाऊंगा। अब देखो इनके मैं साइज चेंज नहीं कर रहा, अब मुझे प्रॉक्सिमिटी अगर ड्रॉ करनी है तो मैं इनकी साइज चेंज नहीं कर रहा, पर इन दोनों में कुछ डिफरेंस तो है, जैसे कि कलर डिफरेंस आ गया, तो यही होता है मेरा प्रॉक्सिमिटी। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये पैटर्न में है, क्यों, अगर ये कंप्लीट फिगर रिपीट कर रहा है तो हो सकता है, पर अगर इसी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है,
यहाँ पे मुझे ब्लू है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, नीचे क्या है मुझे पता नहीं है। अगर रेड ब्लू रिपीट हुआ तो रिपीटेशन है, अगर नहीं रिपीट होता है तो अप्रॉक्सीमेटिव है। ये इसका क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोज विथ पैटर्न। अब ऑप्शन में अगर पैटर्न, रिपीटेशन या प्रॉक्सिमिटी है, इन दोनों तीनों में से कोई भी दो है, तो इन दोनों को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है, पैटर्न और प्रॉक्सिमिटी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है? जब कोई भी फिगर पैरेलल लाइन से ड्रॉ की जाए उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी फिगर ड्रॉ करूँ, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो मुझे क्या दिखाई देगा? एक स्क्वायर दिख रहा है जो बस पैरेलल लाइन से बना हुआ है। सिमिलरली अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल में एक ही चीज है, वो है पैरेलल लाइन। यहाँ पे भी इसका अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तो आप आईबीएम का सिंबल देख सकते हो, वो कम्प्लीटली पैरेललिज्म में है जो उन्होंने बनाया है। आईबीएम आप अगर ऑब्जर्व करोगे वो सिंबल, तो ये कम्प्लीटली पैरेलल लाइन से बनाया हुआ है। तो यही होता है पैरेलल लाइन से ऑब्जर्व किया हुआ। अब 10 नंबर का है मेरा क्लोजर। क्लोजर क्या बात है? क्लोजर एक ऐसी चीज है जो आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जेब्रा इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, वो कैसे? अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जेब्रा से मैंने रिलेट किया है, तो उसी का मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक शेप्स ले रहा हूँ, नॉन ऑर्गेनिक शेप जैसे कि ज्योमेट्रिकल शेप्स ले रहा हूँ, पर ये ऑर्गेनिक शेप पे भी लागू होता है। जेब्रा का कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते, हो सकता उसका। तो मैं यहाँ पे एक पैटर्न जैसा कुछ बना रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट से। अब इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ये सब रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें क्लोजर क्या होता है? जो ये जो जगह है वो हमारी आईज इसको ब्लैक कलर से फिल करने की कोशिश करती है ताकि वो कंप्लीट हो जाए। जेब्रा को अगर हम लाइट में देखेंगे तो ब्लैक वाइट है, उस पे जो पैटर्न बनते हैं वो ब्लैक वाइट से, तो ये नेचर में घुल जाता है रात के समय में। ठीक है, उसी तरीके से हमारी आई क्या कोशिश करती है कि पूरा एक पैटर्न दिखे और कम्प्लीटली एक रंग में घुल जाए, उसी को हम क्लोजर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलिंग ब्लैंक पैटर्न। इसका बेस्ट एग्जांपल जेब्रा है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट क्या है? तो फोकल पॉइंट का एग्जांपल भी इजी है, समझना भी इजी है। फोकल पॉइंट यानी जहाँ पे हमारी आंखें टिक जाए, जहाँ पे हमारी आंखें अट्रैक्ट हो, वही फोकल पॉइंट होता है। यहाँ पे साइज तो सेम है पर हमारी आंखें कहाँ अट्रैक्ट होती है? तो इस रेड डॉट पे हमारी आंखें अट्रैक्ट होती है। तो यही मेरा फिगर का फोकल पॉइंट है। जनरली सेंटर हमारा फोकल पॉइंट रहता है, किसी भी फिगर का जो सेंटर होता है वो फोकल पॉइंट रहता है, पर जिस तरीके से भी ड्रॉ करें उसमें हमें फोकल पॉइंट ढूंढना पड़ता है। जनरली वो इम्पासाइज हो सकता है, फोकल पॉइंट, इम्पासाइज,
वैरायटी भी फोकल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो अब बाकी कुछ एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, बाकी जो टर्म्स यूज होती हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पेपर पे ड्रॉ करना इजी नहीं है। तो फर्स्ट आता है मेरा डेलिकेटनेस, नेक्स्ट आता है मेरा डिस्टॉर्शन, उसके बाद आता है मेरा क्रॉप। तो आप अगर यहाँ पे लोटस लोटस पेटल्स ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको डेलिकेटनेस का एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है जो चीज़ें डिस्टॉर्ट हुई। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई पेपर ले लिया और उसको फोल्ड, उसको हाथ से दबा दिया, इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो ये होता है मेरा डिस्टॉर्शन का एग्जांपल। और क्रॉप का एग्जांपल है कि किसी भी फिगर को आधा अधूरा पेश किया जाए। हाँ, या फिर मैं कहूँ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट फिगर हो उसको हम क्रॉप की हुई फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे बेसिक 14 टर्म्स जो मैं शेयर करना चाहता था। इसमें और दो टर्म्स ऐड होंगी, जैसे कि सिमेट्री और असिमेट्री, जो फॉर्मल इनफॉर्मल सिमेट्री असिमेट्री होती है वो अभी इसमें ऐड हो जाएंगी, पर वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में हमने सीखा है, इसलिए मैं वो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे इसके PTQ के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको गुड लक। चलो, बाय बाय दोस्तों।